नमस्कार दोस्तों, गुरु टेक चैनल में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं 17 इंच एचपी का मॉनिटर है मेरे सामने, और अभी मैं इसको रिपेयर करने वाला हूं। तो अभी ये जो मॉडल नंबर है एलसीडी मॉनिटर का, 17 इंच का मॉनिटर है, मॉडल नंबर है SHHT ND 2803। ये मॉडल नंबर है इसका। और इसका प्रॉब्लम ये है मॉनिटर का, इसका जो बैकलाइट है ब्लिंक करता है। और ये ब्लिंक क्यों करता है, तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आता है इसके अंदर। तो चलिए, मैंने बैक कवर तो खोल लिया है और इसके स्क्रू में निकाल लेता हूँ सबसे पहले। और देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, बैकलाइट क्यों इसके ब्लिंकिंग कर रहे, इसमें मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है, या बैकलाइट में, या कुछ प्रॉब्लम आता है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसका कवर खोलना पड़ेगा। बहुत सारी अच्छी सी इसके अंदर फिटिंग दी हुई है, एचपी का मॉनिटर है तो उस हिसाब से भी इसको फिटिंग दिया है। तो बहुत हीवी मॉनिटर है ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको कितना प्रोटेक्शन दिया है। तो यहाँ पर देखो, ओहो, ये तो पहले से इसका बैकलाइट का काम हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्वर्टर किट पहले से ही लगा दिया था, पहले कुछ कारागिर ने। तो यहाँ पर देखिए, ये पहले अल्टर हुआ है, तो हो सकता है इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ हो। तो देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे आ रहा है। तो सबसे पहले मैं तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो इन्वर्टर किट है एलसीडी का, और यहाँ पर 12 वोल्ट का अडेप्टर दिया है, और इसे वोल्टेज देके ये इसको ऑन किया है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो 12 वोल्ट का अडेप्टर है ये कैसे ब्लिंक कर रहा है। देखिए, थोड़ा सा जो पावर लाइट है ये कम ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, तो ऐसा होता है कि जब कभी ये जो मॉनिटर है इसका बैकलाइट का अभी इन्वर्टर किट लगा है इसके ऊपर, तो ये इन्वर्टर किट कभी शॉर्ट हो जाता है तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो 12 वोल्ट का अडेप्टर है इसके ऊपर है 12 वोल्ट देने के लिए, तो इन्होंने ये जो इन्वर्टर किट है ये कभी शॉर्ट हो जाता है तो ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं अभी इन्वर्टर किट का जो वायर है ये निकाल दिया हूँ। देखिए यहाँ पर जो पावर है ये निकाल दिया हूँ। अभी देखिए, ये जो ब्लिंक नहीं कर रहा है, देखिए ये जो कम ज़्यादा जो हो रहा था पावर लाइट कम ज़्यादा हो रहा था, तो वो अभी नहीं हो रहा है। क्यों, तो अभी मैंने यहाँ पर वायर निकाल दिया है इन्वर्टर किट की। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो इन्वर्टर किट है ये ख़राब हो चुका है, इसके लिए ये प्रॉब्लम आया है। ओके, तो यही इन्वर्टर किट हम दूसरा नया डालेंगे। देखिए यहाँ पर मेरे हाथ में दूसरा नया किट ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हम दूसरा डाल के देखते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता तो हम बैकलाइट चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हमें अभी एलसीडी का जो इन्वर्टर किट है इसको हम देखते हैं कि चेंज करके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो पाता है नहीं। देखिए, ये ऊपर से कोई जला हुआ या कुछ भी दिखेगा नहीं, या कुछ आईसी फटा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर से आईसी वगैरह शॉर्ट हो जाते हैं तो इसके लिए ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो चलिए हम नया किट डाल के देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो पाता है या नहीं हो पाता, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मैं ये जो किट है इंस्टॉल करता हूँ यहाँ पर, और देखते हैं कि हमारा जो एडेप्टर का पावर लाइट जो था वो ब्लिंक कर रहा था, थोड़ा थोड़ा लुक कर रहा था, ये लुक करता है या नहीं करता है, या कंप्लीट चालू रहता है। तो ये शॉर्ट नहीं है इसलिए तो वो लाइट ब्लिंक नहीं करेगा मेरे हिसाब से, लेकिन देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसके नीचे प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सा एक कागज़ दे देता हूँ, क्योंकि हमको चेक करना है सबसे पहले ये किट लगा के कि प्रॉब्लम सॉल्व हो पाता है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ड्यूल टेप जो होता है वो लगा दिया है यहाँ पर, तो इसके ऊपर हम ये रखेंगे। तो देखिए, इस तरह से इसको यहाँ पर जो पहले कॉइल था उसके ऊपर ये चिपका देते हैं, ये
आसानी से वहाँ पर बैठ जाए। पहले भी वैसे ही फिटिंग किया था वो पीठ को, तो ऐसे अभी फिट करेंगे, क्योंकि एकदम फेस टू फेस फिटिंग है तो ये हिलने चलने के कोई चांसेस है नहीं पीठ को, तो एक बार फिट हो गया तो हो गया। ओके चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर चिपका देता हूँ ऐसे इस तरह से। ओके तो दिखा ये हमने अभी चिपका दिया है यहाँ पर अच्छी तरह से। तो इस तरह से ये चिपकाने के बाद अभी मैं ये पावर देता हूँ, और देखते हैं पावर देने के बाद क्या होता है। तो अभी मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा स्क्रू भी लगा देता हूँ, अर्थ वाला स्क्रू है वो, एक दो स्क्रू यहाँ पर मैं फिटिंग कर देता हूँ प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि किट हिले ना। ओके तो यहाँ पर ये फिटिंग हो चुका है। अभी देखिए मैं इसको पावर देता हूँ, देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर फिटिंग कर दिया है परफेक्टली, जैसे कंपनी जैसा फिटिंग दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने ये फिटिंग किया है, अभी देखते हैं पावर दे के ये क्या होता है। तो चलिए मैंने ऑन किया है, अभी देखिए ये जो लाइट है ये बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं कर रहा है, कम्प्लीटली स्टेरेबल है। ओके इसका मतलब ये था कि ये किट जो था ये खराब था। और देखिए बैकलाइट भी ऑन हो चुके हैं और डिस्प्ले भी आ चुका है मॉनिटर के ऊपर, इसका मतलब पूरा मॉनिटर कम्प्लीटली ओके चालू हो चुका है कम्प्लीट। ओके देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इस तरह की ये जो प्रॉब्लम था ये हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया है, ज़्यादा झंझट मारी भी नहीं किया। और सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पर कौन से भी मल्टीमीटर का यूज़ नहीं किया, ये डायरेक्टली एक जो अनुभव होता है वो अनुभव के हिसाब से मैंने आपको एकदम बिना मल्टीमीटर का ये जो मॉनिटर था ये रिपेयर करके दिखाया। और कभी जितना भी आपके पास जितना अनुभव हो सकता है उतना अनुभव आप कर लीजिएगा, क्योंकि अनुभव भी बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए, बहुत बरसों का एक्सपीरियंस होता है तो ज़्यादातर मल्टीमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कुछ बहुत जगह कम कम जो मल्टीमीटर हमें लगता है, क्योंकि सामने जो प्रॉब्लम है दिखाई देता है तो सीधा ही वहाँ पर हम काम कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये हमारा काम हो चुका है, इसको अभी मैं फिटिंग भी कर देता हूँ अच्छी तरह से, और फिटिंग होने के बाद फिर एक बार मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा। ओके तो यहाँ पर एक दो स्क्रू है तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, क्योंकि बहुत ही कम स्क्रू इसके अंदर लगे हुए हैं, ज़्यादा स्क्रू इसके अंदर नहीं है। तो चलते इसके बैक लाइट जो है ये लगा देते हैं, ये सॉरी बैक कवर जो है उसको लगा देते हैं, और देखते हैं कि ये मॉनिटर ऑन करते हैं और आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बैक कवर भी यहाँ पर लगा दिया है। कभी दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करना, और ऐसे ट्रिक्स पाने के लिए ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आप कभी रिपेयरिंग करते हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाले हैं। कभी आपके पास कभी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है और आपको इससे हेल्प हो सकती है। ओके तो कभी आपको लगा तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके ये देखिए यहाँ पर हमारा जो मॉनिटर है एक परफेक्टली ऑन हो चुका है और चालू भी हो चुका है। ओके चलो मिलते हैं ऐसा ही कुछ टॉपिक लेकर, ऐसा ही कुछ वीडियो लेकर, और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।